नमस्ते, मैं सुरेखा चांडव आप सबके साथ ये रेखा पेंटिंग पार्ट को शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पूजा की चौकी बनाई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पूजा की चौकी है, इसमें मैंने एक्रेलिक कलर कोन कलर यूज किया है और ये मंडेला आर्ट सब मैंने इसमें यूज किया है। और इसको ये सब पेंटिंग करने के बाद मैंने इसको हॉट किया है। इसकी वजह से जब हम पूजा के समय हल्दी कुमकुम अगर कुछ गिर जाता है तो हम इसे पानी से आराम से वॉश कर सकते हैं। हॉट करने की वजह से हम इसको रफ टफ यूज कर सकते हैं। ये तो ये है पूजा की चौकी। मैंने और एक आइटम बनाया है जो अपने डेली यूज में हरदम अपने काम आता है, ये ट्रे। इस ट्रे के लिए मैंने राजस्थानी लुक लिया है और इसमें मैंने कोन पेंटिंग एक्रेलिक पेंटिंग यूज़ की है। उसके ऊपर मैंने हॉट किया है, प्लस ये मैंने एक्रेलिक के बाजू लगाए हैं। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है लेकिन लुक बहुत अच्छा देता है, तो इसको भी हम वॉश कर सकते हैं और आने वाले मेहमान का हम इसमें चाय के साथ स्वागत कर सकते हैं। वैसे ही मैंने और एक ट्रे बनाया है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है जो मेरे बेटे ने बनाया है। इसके अंदर मैंने नेचर का थोड़ा सीन निकाला है और इसको भी हम आराम से वॉश कर सकते हैं। और हैंडल के साथ मैं आज एक साल से इसको यूज कर रही हूँ, रफ टफ है। इसको मैंने हॉट नहीं किया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी हॉट करने की। और एक छोटा सा जो ट्रे मैंने बनाया है, इसके अंदर ये बहुत काम की चीज़ है छोटा ट्रे, क्योंकि कोई मेहमान आए तो छोटे ट्रे में हम पानी के ग्लास वगैरह देते हैं। तो ये छोटा सा ट्रे जो बनाया है इसके अंदर मैंने ओरिजिनल पीपल का पान लगाया है, कोन पेंटिंग की है और उसके ऊपर मैंने पूरा हॉट किया है और इसके साइड में भी मैंने थोड़ा पेंट किया है। ये पूरे ट्रे को हॉट करने की वजह से पीपल पान अंदर सेफ है और हम इसको आराम से वॉश कर सकते हैं। ये मैं मेरी छोटी छोटी पोतियाँ मेरे यहाँ गेस्ट आने के बाद इसके अंदर ही पानी का ग्लास लेके मेहमान का स्वागत करती है, तब बहुत खुशी होती है। और एक ट्रे मैंने बनाया है, ये ट्रे में भी मैंने राजस्थानी आर्ट यूज़ की है और लेकिन इसके हैंडल मैंने लकड़ी के रखे हैं, बाजू भी लकड़ी की रखी है और इसको हॉट किया है। ये बिल्कुल रफ टफ है, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये कैसे भी यूज़ करो, इसके ऊपर कुछ भी गिरा तो भी हम इसको धो सकते हैं। मैंने बॉटल पे भी और एक पेंटिंग की है, जो पेंटिंग पे मैंने अपने मार्केट यार्ड में जो सुतली यूज़ करते हैं थैले को वो लगाई है और एक आदमी और एक लेडीज़ का डिज़ाइन बनाया है। मंडेला आर्ट भी इसमें यूज़ किया है। इसके अंदर पानी रख के मैं मेरे डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ये सभी दोनों तरफ है, तो ये है मेरा पूरा कलेक्शन। नमस्ते, की रेखा पार्ट 3 के साथ जल्दी ही मैं आपसे मिलने आऊंगी। धन्यवाद।